सालों पहले गुमथा गांव में रहने वाला एक किसान काफी दुखी था। वो अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर काफी उदास रहता था और अपने दुख के बारे में लोगों को बताता फिरता था। किसान सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हुए उसने बताया कि मैं एक किसान हूं और मैं अपनी खेती करके जीवन यापन करता हूं। दरअसल कई बार हमारी फसल अच्छी होती है तो कभी बिल्कुल भी नहीं। आगे कहा कि मेरी पत्नी है जो मुझे बेहद प्रेम करती है, पर कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान करती है। मैं उससे तंग आ गया हूँ और कभी कभी लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कितने अच्छे से रहता। इस तरह वह अपनी सारी परेशानियां महात्मा बुद्ध को सुनाता रहा। जब तक किसान बात कर रहा था तब तक गौतम बुद्ध एक शब्द भी नहीं बोले और बस ध्यान से किसान को ही सुन रहे थे। परेशानी बताते हुए किसान बोलता है कि मेरा एक बच्चा भी है, वो काफी अच्छा है, पर कई बार वो भी मुझे परेशान करता है, मेरा कहना नहीं मानता और ऐसे व्यवहार से मुझे लगता है कि वो मेरा बच्चा नहीं है। ऐसा कहते हुए किसान अपनी सारी परेशानी बताता गया। इस तरह किसान ने अपने जीवन का सब कुछ जो उसे सताता था और दुखी करता था वो गौतम बुद्ध को बता दिया। महात्मा बुद्ध से सब कुछ कहने के बाद वो उनसे अपनी परेशानियों के समाधान की उम्मीद लगाए बैठा था। काफी देर तक गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार करने के बाद बेसब्र होकर किसान ने ऊंची आवाज में महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ नहीं कहेंगे? गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी किसी तरह से मदद नहीं कर सकता। किसान ने महात्मा बुद्ध से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वो उनका जवाब सुनकर हैरान हो गया। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो क्या मेरी समस्याओं का नहीं करेंगे? महात्मा बुद्ध इस बात पर किसान से कहते हैं कि आपके जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं उतनी हर किसी के जीवन में होती हैं और सबको अपनी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगती हैं। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो दूसरों को ना हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना करना पड़ता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे ही आएंगे। बुद्ध की बातें सुनकर किसान को गुस्सा आ गया। वो उन्हें बोलता है कि लोग आपको महात्मा कहते हैं, मैंने लोगों से ये भी सुना है कि आप सबकी परेशानियां दूर करते हैं, पर मेरी समस्या का निवारण करने के बजाय आप मुझे फिजूल की बातें बता रहे हैं। महात्मा बुद्ध को इतना कहकर किसान वहां से जाने लगता है। तभी उससे भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुमने जो समस्याएं बताई हैं उनका मैं समाधान नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारी दूसरी परेशानी का निवारण कर सकता हूँ। बुद्ध की बातें सुनकर किसान हैरान हो गया और बुद्ध से कहता है कि मैंने जो समस्याएं बताई उसके अलावा मुझे कोई समस्या नहीं, और है भी तो मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं। बुद्ध उनसे कहते हैं कि आपकी समस्या यह है कि आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में किसी तरह की समस्या हो। ये सोच रखना ही दूसरी समस्याओं का कारण बनता है। आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्याएं होती हैं। ये सोचना छोड़ दो कि आप इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो। आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी किसी न किसी परेशानी से दुखी हैं। ऐसे में तुम्हें यह सोचना छोड़ना होगा कि तुम्हारे जीवन में समस्या ना हो, तभी तुम हर समस्या का आसानी से सामना कर पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर किसान उनके पैरों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। वो समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध उनसे क्या कहना चाहते हैं। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन परेशानियों का खुद से सामना करना चाहिए। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी और इसी तरीके की और कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।